जैसा कि हम आपको बता दें कि कोई भी तूफान अपने पीछे भारी तबाही छोड़कर जाता है, ऐसी आशंका। और मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार शक्तिशाली तूफान गज शुक्रवार को अपने तबाही के निशान छोड़ते हुए तमिलनाडु के ऊपर से गुजर गया। एक दिन पहले गुरुवार की रात्रि लगभग 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच ये समुद्री तटों से टकराया। शुक्रवार को इसकी चपेट में आने से लगभग 22 लोगों की मौत हो गई। इससे तमिलनाडु से गुजरने के बाद तमिलनाडु और पांडिचेरी में अभी भी बरसात जारी है। अभी तक के मापन में तमिलनाडु में लगभग 17 सेंटीमीटर बारिश हो चुकी है। तमिलनाडु से गुजरता हुआ यह तूफान केरल पहुंच गया है। इस चक्रवर्ती तूफान ने सभी तटवर्ती क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई। तूफान में चल रही तेज हवाएं लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। सभी प्रभावित क्षेत्रों में शासन प्रशासन द्वारा राहत केंद्र बनाए जा रहे हैं। सभी प्रभावित लोगों को राहत राशि की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अभी आपने देखी खबर SS की एक रिपोर्ट।